हाय गाइस, वेलकम टू देसी पटाखा। मैं हूँ आराधना आपके साथ और फाइनली मेरा गौरी ग्रह बनकर है तैयार। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम यूट्यूब का भी काम, देसी पटाखा पर काम। लेकिन आपको उससे पहले, जैसा मैंने कहा था, दिखाऊंगी अपने घर का पूरा होम ट्यूर और दिखाएगी, ये कमेंट्री होगी मेरी। सो लेट्स गो। सो गाइस, ये देखिए मैंने बाहर का पूरा लुक जो है वो चेंज कर दिया है। पहले मैं अपने इतने सारे जो प्लांट्स हैं बड़े बड़े, ये अंदर रखती थी, अब ये सब मैंने बाहर लगा दिए हैं। और हाँ, अंदर बिल्कुल प्लेन रखा है। और मैंने इस बार अपने घर में ना मेरा नाम ना किसी का नाम, घर का नाम है गौरी ग्रह। आप सभी को पता है मेरा निक नेम गौरी है और इस दुष्ट बच्चे का नाम ईशानवी है, गॉडेस पार्वती फुल ऑफ नॉलेज, हाँ, जिसका मतलब भी माँ गौरी है। तो इसीलिए हमने सोचा कि घर का नाम रखेंगे माँ गौरी के ऊपर, शॉर्ट गौरी ग्रह। अच्छा, घर के बाहर एक मैंने ये रखा है गेट पे, पानी से भरकर एक, ये हमारे साथ वालों का डॉगी है ब्रूनो, जो कि बात करे जा रहा है, वो रुक ही नहीं रहा है। वैसे वो इतना नहीं करता है, शांत हो गया है, देखो शुरू हो गया है। चलो, मैंने घर के ऊपर पीवीसी में ये ऐसे बनाया है सुंदर सा। और यहाँ पर मैंने ये एक बुद्धा जी की मूर्ति रखी है और इधर मैंने ये इस तरीके से छोटा सा वॉल वाटरफॉल लगाया है। अब चलिए, अब चलते हैं ड्राइंग रूम के अंदर। तो चलो, फाइनली ब्रूनो हुआ शांत और हमारे ड्राइंग रूम के अंदर। तो ये देखिए, ये मेरा वो पुराने वाला ही पैनल है, उसको चेंज करा है पूरी तरीके से। क्रेडिट गोज टू माय कारपेंटर, जो कि बहुत अच्छे थे, उन्होंने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट करा और जैसा जैसा मैं बोलती गई ना, बाय गॉड, वैसा वैसा वो करते गए। और उन्होंने कभी मुझे ना नहीं बोला कि मैडम ये नहीं हो पाएगा। मैं उनका नंबर भी शेयर करूंगी, जिससे अगर आपको कभी करवाना हो तो आप भी करवा सकते हो। वो ऑल ओवर इंडिया सर्विस देते हैं। और ये देखो, मैंने पीओपी भी करवाई है, फॉल सीलिंग भी कराई है। हाँ, पूरे फॉल सीलिंग करवाई है, ये मैंने मोल्डिंग्स लगवाए हैं, वॉलपेपर भी चेंज कराया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ पूरे घर का लुक। यहाँ पर देखिए, मैंने प्लांटर्स रखे हैं और मैं थोड़ा जूम आउट करती हूँ, जूम आउट नहीं कर पा रही हूँ मैं। एनीवेज, ये देखिए, सो दिस इज द लुक। साइड में यहाँ पर भी मैंने एक वाटरफॉल हाँ रख दिया है। इसका जो साउंड है, इट्स वेरी सूथिंग। और मेरे घर में बीम थी, उस बीम को मैं कैसे छुपाती, तो इसलिए मैंने उस पर भी लोअर्स लगवा दिए हैं। और लाइक हमारे यहाँ पे पहले बुद्धा वाला वॉलपेपर था, हाँ ये देखो, मैं आपको दूसरी तरफ से दिखाती हूँ अच्छे से। ये देखिए, अब ऐसे वेरी डिसेंट एंड वेरी काम एंड सीरीन लुक। मुझे बहुत घर भी बड़ा लग रहा है, फ्लोरिंग करवाई है मैंने, ये देखिए। जिसने मेरी फॉल सीलिंग की वो टीम भी अच्छी थी, मैं उसका नंबर भी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए, अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरा डाइनिंग एरिया। सो ये मेरा मंदिर है एंड दिस इज द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेस ऑफ माई हाउस। देखिए, इसके डोर्स जो हैं, किसी के सर पे ना लगे, कोई नीचे बैठे हो, तो मैंने ऐसे बनवाए हैं। और ये देखो, हमने यहाँ पे जैसे दिवाली होती है, कोई त्योहार होता है तो प्रसाद होता है बहुत सारा, हवन करना होता है। अब हवन की वजह से मंदिर काला ना हो, उसके लिए मैंने स्पेशली अंदर ये लगवाया है। और ये मतलब इतना लंबा है कि इसमें हवन के साथ साथ और भी चीजें, हाँ, प्रसाद वगैरह सब आ जाएगा। अब आप डोर्स का कमाल देखना जरा, कर अंदर डोर्स को शानवी। ये गए अंदर मेरे डोर्स, जिससे किसी के सर पे नहीं लगेंगे। और हाँ, और ये देखिए, ये ऐसा मैंने लुक दिया है इस अलमीरा का। अलमीरा खोल के दिखाओ, सब में लाइट्स है। और फ्रिज मेरा पूरा अंदर जा चुका है। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये वॉल। ये देखने में आपको दूर से लग रहा होगा कि ये वॉलपेपर है, लेकिन ये टाइल्स हैं, मुरैकन टाइल्स इन्हें बोलते हैं, राजस्थानी कह लो, मुरैकन कह लो, कुछ भी कह लो। और ये जो वॉल है, ये मेरे घर की मुझे सबसे खूबसूरत वॉल लगती है। अब यहाँ पर श्रीनाथ जी क्यों, और इस वॉल को मैंने ऐसा क्यों बनाया, तो देखिए, श्रीनाथ जी कहाँ है, राजस्थान में है, उदयपुर में है। तो राजस्थानी बैकग्राउंड लेकर मैंने श्रीनाथ जी की गीतांजलि से ये पोस्टर, ये फोटो आप कह सकते हैं, बनवाई है। बहुत ही खूबसूरत है, मतलब इनकी निगाहें देखो आप खो जाओगे इनके चेहरे में।
मैं इसका भी जो लिंक है, गीतांजलि का जो नंबर है, उनका जो इंस्टाग्राम लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन में डाला है मैंने। अगर आपको भी बनवाना है तो प्लीज बनवाइएगा। मैंने पूरा रॉयल टच दिया है इस वॉल को, और यहाँ पे कंसोल है। हाँ, ये कंसोल कह लें चाहे वो पॉट कह लें, मतलब मन से बनाती हैं चीजें। हाँ, और किचन मेरा एज इट इज है, वैसे का वैसा है, लेकिन किचन में भी मैंने एक्स्ट्रा स्टोरेज बनवाई है, जो कि ये छोटी सी देख सकते हैं आप, अलमारी बनवाई है मैंने, मेरा माइक्रोवेव इसके अंदर और क्रॉकरी सारी उसके ऊपर। ये भी उन्होंने बनाया राजेश शंकर। हाँ, राजेश जी उनका नाम है मेरे कारपेंटर का, अमेजिंग कारपेंटर है यार, अमेजिंग। करवा के देखिए उनसे कोई काम, मतलब उन्होंने मुझे ये नहीं बोला कि मैम नहीं हो पाएगा, हाँ मैम हो जाएगा। तो ये मेरा दूसरा रूम है, हमने इसका पूरा वाइट रखा है, और ये मैंने सामने इस तरीके से पैनल्स लगवाए हैं। हाँ, व्हाइट और गोल्डन ट्रेंडिंग में है, इसकी भी पैनल की भी लाइट जला। yes. और ये देखिए, दिस इज लाइक दिस, आप देख सकते हैं। ऊपर भी मैंने लोअर्स लगवाए हैं, क्योंकि थोड़ा स्पेस का इशू था, तो मैंने इस वाले जो फॉल सीलिंग को था उसने ऐसे बनाया है, जो मेरा फॉल सीलिंग। ये देखिए, अलमीराज में भी सब में लाइट्स हैं, आप देख सकते हैं। स्टोरेज स्टोरेज है मेरे पास, पहले स्टोरेज का बड़ा राड़ा था मेरे पास, अब कोई इशू नहीं है। सी, दिस इज द लुक ऑफ माय दिस रूम नाउ। और इस रूम में भी मैंने एक ही वॉल पे वॉलपेपर रखा है, और वो ये है। और ये ऐसे है, तो सामने जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो मेरे पापा की है। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूं मेरा मास्टर बेडरूम, वो रूम जहां से रोज बैठकर मेरी आपसे होगी मुलाकात, आपसे होगी बात। और यार मेरा मंदिर कितना सुंदर है ना यार, मतलब यकीन मानिए कमाल कर दिया राजेश जी ने। फिल्म विंडो वाली जो हिना जी है वो स्पेशली कह रही है उनको यहां भेज दो, मैं बनवाऊंगी उनसे ऐसा मंदिर। अब मैं आपको अपना रूम दिखाती हूं, वो जगह जहां पर बितेंगे मेरे दिन रात, क्योंकि शुरू होने वाला है बिग बॉस। सो दिस इज माय मास्टर बेडरूम, द रूम शुड हैव माय वाइब्स, सो फ्लावर्स पिंक एंड यस ऑफ कोर्स देसी पटाखा। और एक गलती हो गई है मुझसे इस देसी पटाखा को बनवाने में, मुझे ये नहीं याद रहा कि मैं आप लोगों के साथ जो शूट करती हूँ वो मैं सेल्फी मोड में करती हूँ, तो ये उल्टा दिखेगा। और बार बार कमेंट सेक्शन में लिखना मत कि मैम उल्टा दिख रहा है, ठीक है। तो ये मेरा रूम है, मैंने लाइट्स अच्छी खासी लगवाई हैं, क्योंकि मुझे रोशनी उजाला पसंद है। और ये मैंने स्लाइडिंग अलमीरा बनवाई है, लाइट जलाओ। ये मेरी है और वो मेरी है। एंड दिस इज माइन अलवीरा। और ऊपर वाले अभी तो पूरे खाली पड़े हैं, हमारे पास जगह ही जगह, कह रहा हूँ स्टोरेज ही स्टोरेज, हमें कोई इशू नहीं है, हमारी कई अलमारी खाली है, खाली है बिल्कुल। पीछे की वो, ये मेरा बेड है, बेड भी मैंने छोटा लिया है पीछे। हाँ, और ये वो है जो मेरी मेहनत है इतने सालों की, माई 4 सिल्वर बटन्स, ठीक है। और ये वो एरिया जहाँ से बैठ कर मैं आपसे रोज अब मुलाकात करने वाली हूँ, मैं इसको टर्न अराउंड कर दूंगी चेयर को, चेयर देसी पटाखा पे, और टेबल आगे। और ये मेरा टीवी पैनल है, मतलब जब हम मूवी देखते तो इसे ऑन करके देखते हैं। हाँ, आईपीएल का फाइनल चल रहा है, 3 विकेट जा चुके हैं। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारा प्यारा मिरर, देख लो भाई ये रहा, ठीक है। ये मेरी आउटर बालकनी है, और इसके भी मैंने टाइल्स करवाए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। और मैंने इस पे भी ऊपर नहीं पैनल्स करवाया इसमें, ये देखो ये मैंने ऐसे लाइट्स लगवाई हैं ऊपर, एकदम क्लासी लुक। तो अब मुझे ये जो घर है वो मेरे जैसा लगता है, मस्त लगता है। और ये सब करवाने में मुझे ऑलमोस्ट 3 महीने लगे हैं। सो गाइस, ये मेरी 3 महीने की मेहनत है, और सिंगल हैंडेडली मैंने काम करा है, ठीक है। पूरे दिन में लगी रहती थी, 11 बजे आती थी मैं, 11 बजे घर में घुसती थी और सुबह निकलती थी 9 बजे। पूरे दिन यहाँ धूल मिट्टी में मैं बैठी रहती थी,
बट आई मस्ट से, कहते हैं ना मेहनत का फल मीठा होता है, तो मेरे मेहनत का फल ना सिर्फ मीठा है बल्कि खूबसूरत भी है, चाशनी जैसा मीठा, चाशनी जैसा मीठा। तो गाइज मुझे इजाजत दीजिए, अब आपसे होगी मुलाकात डेली बिग बॉस के वीडियोस के साथ और टेलीविजन इंडस्ट्री के लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, गुड बाय।